नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली हिंसा पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बयान दिया, जिन्होंने कहा कि दिल्ली हिंसा की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। मोदी सरकार हिंसा की साजिश का खुलासा करेगी। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अफवाह फैलाई, जिसकी वजह से दंगा भड़का है। मोदी सरकार हिंसा की साजिश का खुलासा करेगी। गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने ये बड़ा बयान दिल्ली के दंगों से जुड़ा हुआ था। During the last week, we have witnessed some disturbances in the national capital, Delhi. Unfortunately, many innocent people have lost their lives. All the section of the people have lost their properties too. A brave constable of God was killing and IB officials fell victim to evil designs, rumors unleashed by a section of political parties and a section of media, a section of social media added fuel to the fire. तो दिल्ली में आज शांति है, लेकिन इस शांति को बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली के दंगाग्रस्त इलाकों में अर्धसैनिक बलों के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जवानों के अलर्ट होने की वजह से सड़कों पर हलचल बढ़ गई है। पिछले 5 दिनों से घरों में बंद रहने वाले लोग अब सड़कों पर निकलने लगे हैं। तो दूसरी तरफ शाहीन बाग में प्रदर्शन की जगह पर भी आज सुरक्षा बलों के जवान पहुंच चुके हैं। और यहां पर आपको बता दें कि धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल आज वहां पर किसी हिंदू संगठन ने प्रदर्शन की चेतावनी दी थी, तो ऐसे में सुरक्षा बल किसी भी तरह के टकराव को रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। तो शाहीन बाग में आज क्या हुआ? शाहीन बाग में पिछले 2.5 महीने से भी ज्यादा से समय से नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ऐसे में दिल्ली के शाहीन बाग में आज से धारा 144 लागू कर दी गई, यानी कि यहां पर अब 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा शाहीन बाग में पैरा मिलिट्री फोर्स की 12 कंपनियां, दिल्ली पुलिस के करीब 1000 जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से पुलिस का अपील है ये कि धरना खत्म कर दीजिए। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारी धरना खत्म करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दिल्ली के शाहीन बाग में पुलिस बलों के अलावा सीआरपीएफ की भी तैनाती हुई है। दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरों ने इस बारे में जानकारी दी। हमारे पास सीआरपी की भी फोर्स है और जो दिल्ली पुलिस का रिजर्व है वो भी है। तो कुल मिला के हमारी कोशिश ये है कि जो ये शांति बनी हुई है वो बनी रहे और लोगों में जो सुरक्षा की भावना है वो पूरी तरह से रहे और कहीं पे भी किसी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं हो जिससे कि किसी को परेशानी हो। तो शाहीन बाग में पुलिस की भारी तैनाती, और इसे लेकर हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने डीसीपी आरपी मीणा से बात की। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके समेत पूरे साउथ ईस्ट जिले के अंदर धारा 144 लगा दी गई है। जो यहां पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, पिछले करीब 2.5 महीने से यहां पर बैठे हैं, उनको यहां से उठने के लिए कह दिया गया है। इस समय हमारे साथ साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जिले के डीसीपी आरपी मीणा हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या अब आगे की स्ट्रेटेजी होगी। सर, पहले तो ये बताइए कि धारा 144 कब लगाई गई है? धारा 144 आज ही लगाई है, और इसका जो रीजन है, कई ग्रुप्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू ये मैसेज वायरल करा कि 1 तारीख आज के दिन 10 बजे मदनपुर खादर में इकट्ठे होंगे और उसके बाद में वो मार्च निकालेंगे शाहीन बाग की तरफ। तो ये उन्हीं ग्रुप को देखते हुए जो है वो 144 लगाई है। हालांकि हमने सब लोगों से रिक्वेस्ट की थी, लोकल लीडर से उनसे भी बात की, तमाम जो आसपास के गांव हैं उनमें भी हम लोगों ने काफी मीटिंग्स की है, और उसके बाद में सब लोगों ने ये प्रोटेस्ट जो है उसको कैंसिल करने का ऐलान भी किया था। एहतियात के तौर पर अरेंजमेंट लगा हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ये मैसेज वायरल हुआ था, कोई ग्रुप इकट्ठे ना हो और इस तरफ ना आए, इसीलिए 144 यहां रहे। तो जो ग्रुप प्रोटेस्ट करने के लिए यहां पर आ रहा था वो तो उन्होंने तो कॉल ऑफ कर लिया, लेकिन जो यहां पर करीब 2.5 महीने से बैठे हुए हैं लोग, वो कब यहां से हट रहे हैं? क्या उनको हटने के लिए आपने कहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये जो मसला है वो अभी विचाराधीन है, तो जैसा भी आदेश होगा और जिस तरह की मीडिएटर्स भी यहां पे आ रहे हैं वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं,
तो यही सब चीजें चल रही हैं, अभी देखते हैं अभी क्या इसका जो सोल्यूशन निकलता है। क्या आपने इन लोगों से बात की है, इनको बताया है कि धारा 144 लग गई है क्योंकि उसके बाद असेंबलिंग मना हो जाती है, तो क्या इस तरह की बातें इनको समझाई गई है? अभी तक हमारी तरफ से कोई ऑफिशियली इनको नहीं समझाया, लेकिन पास में पिछले जब 2-2.5 महीने से जो है वो हमने इनसे काफी बात की है, नेगोशिएशन की है, रिक्वेस्ट भी की है कि ये जो रोड है इससे ये दूसरी जगह पे जा सकते हैं, क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट इनको है, बट रोड पे जो है वो रोड पे जाम नहीं कर सकते, किसी जगह पे जाके पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। धारा 144 कब तक लगी हुई है? अभी आज से शुरू हुआ है और आने वाले कुछ दिन तक रहेगी। तो ये थे जिले के डीसीपी आरपी मीना, जिन्होंने कहा है कि धारा 144 जो है आज से लगा दी गई है, उसके बाद लगातार कोशिश जरूर की जाएगी। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसको देखते हुए एहतियात बरती जा रही है और इनको समय समय पर समझाने की कोशिश की जा रही है। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो शाहीन बाग में भी अब धरना खत्म करवाने की कोशिश है यहां पर पुलिस प्रशासन की, और साथ ही दूसरी तरफ अब दिल्ली में हिंसाग्रस्त इलाकों में हालात सामान्य होते जा रहे हैं। दोनों ही जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शाहीन बाग से हमारे साथ जितेंद्र शर्मा और साथ ही प्रमोद शर्मा जो चांदबाग इलाके से हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र, आपकी तरफ, क्योंकि अब शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन खत्म कराने की कोशिश है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेज वहां पर मौजूद हैं और अभी भी पुलिस अपील कर रही है कि धरना खत्म कर दीजिए, किसी तरह की कार्रवाई नहीं। बिल्कुल सही कहा शीरीन आपने, हालांकि पुलिस फोर्स जो यहां पर लगाई गई है वो एहतियातन लगाई गई है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए और हिंदू संगठन जो है वो यहां पर प्रदर्शन करना चाहते थे, इसको लेकर के किसी तरह का कोई क्लैश ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो यहां पर, उसको लेकर के एहतियातन यहां पर फोर्सेज यहां पर लगाई गई थी, जिसमें 12 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज, उसके अलावा करीब 1000 की संख्या में आसपास के जिलों समेत और इस जिले की जो फोर्स है उसको यहां पर लगाया गया। हालांकि कोशिश जरूर की जा रही है इन प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाने के लिए, बार बार बात की जा रही है, पहले भी की गई है, लेकिन मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसको लेकर के जोर जबरदस्ती जो कर सकते थे वो नहीं की जा रही है। लेकिन फिर भी जो भी लोग यहां पर बैठे हैं, जिन जिन लोगों का यहां पर अच्छा रसूख है, जो प्रदर्शनकारी हैं या उनसे जुड़े हुए जो संगठन के लोग हैं, उनको जरूर ये कहा जा रहा है कि धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया जाए। धारा 144 यहां पर लग चुकी है, असेंबलिंग बना है और क्योंकि 2.5 महीने के करीब यहां पर हो चुका है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, बसों जो स्कूल बस है उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है, बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, हॉस्पिटल यहां पर आसपास हैं, जो दूर दराज से लोग इस रास्ते को इस्तेमाल करके जाया करते थे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तमाम तरह की बातें कह करके इनको समझाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि अभी तक नतीजा कोई नहीं निकला है। लेकिन अभी आप ही थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अभी भी वहां पर लोग बैठे हुए हैं, अपील तो पुलिस की तरफ से है लेकिन कोई असर उसका? शिरीन देखिए, अभी तक जो पुलिस की अपील है या बाकी जो संगठन है उनकी अपील का कोई असर होता यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग अभी भी यहां पर बैठे हुए हैं, हालांकि कब हटेंगे इस बात की भी इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कोशिशें लगातार की जा रही हैं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए पुलिस भी किसी तरह की जोर जबरदस्ती करने से बच रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार इस मामले को लेकर की सुनवाई कर रही है, तो उसी के बाद जो फैसला आएगा या उसकी तरफ से किसी तरह की डायरेक्शन अगर आती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद पुलिस अपना अगला कदम उठाएगी। लेकिन हाँ, इस बीच कोशिशें जरूर की जा रही हैं, अलग अलग तरीके से इनको समझाने की कोशिश की जा रही है, जो अमन कमेटी है या यहां पर जितने भी लोग हैं जो कि यहां पर अपना एक तरह से रसूख रखते हैं इस इलाके के अंदर, उनके जरिए जरूर मैसेज पहुंचाया जा रहा है, जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच में जो लोग हैं। और जितेंद्र, पुलिस के साथ साथ अब अलग अलग संगठनों, अलग अलग शख्सियतों के जरिए भी ये कोशिश है कि शांति बहाली हो। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को हम देख रहे हैं, वो लोगों के बीच इस वक्त ब्रह्मपुरी इलाके में लोगों के बीच हैं, उनसे बातचीत उन्होंने की है, समझाने की कोशिश, क्योंकि अब ये सिर्फ अपील है कि दिल्ली पहले ही बहुत जल चुकी है, बहुत अशांति हर तरफ फैली, लेकिन अब चूंकि सामान्य होते हुए हालात भी हमें दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिख रही हैं। कहा कि आज श्री श्री रविशंकर ने एक बार ये भी सुना, चल रहा होता है, लेकिन 2 दिन तक पुलिस के पास ऐसी कौन सी डायरेक्शन कि जिसकी वजह से पुलिस कुछ नहीं कर सकती? पहले दिन भी ऐसा नहीं है, जब तुम प्रदर्शन रोकने के लिए आए हो तो तुम्हारे पास ऐसी डायरेक्शन भी होगी कि ये उपद्रव न फैले। आपके पहचानते थे कौन थे जी जो लोग आए थे, उनको पहचानते हैं किसी को, कि इलाके के लोग थे, बाहर से लोग हैं? जी, उसके अंदर इलाके के लोग हैं, बाहर के उनके साथ अलग से, बाहर के भी इतने लोग अंदर के यहाँ के नहीं हो सकते, उनके साथ बाहर के भी बहुत बड़ी भीड़ है। एक कभी भीड़ उधर से आती है, कभी भीड़ इस तरफ से आती है, बहुत तकलीफ भीड़ आती है। सरकार बार बार कह रही है कि बाहर के लोग इसमें शामिल हैं। देखिए साहब, बाहर के लोग जिन लोगों ने अरेंज किया होगा सिस्टम के तहत, उन लोगों के बाहर के लोग थे, लेकिन इस तरफ के जो लोग थे ये सारे लोकल लोग हैं।
और देखो सुनो एक मिनट श्री हम ये चाहते हैं ये एक ही सामने कॉलोनी है इसके अंदर गलियों में 5 मंदिर है छोटे छोटे 10% ये समझ लो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उनको कोई कोई इंजोर नहीं हुआ कोई गाली नहीं बेकी कोई मारपीट नहीं हुई और पूरी मार्केट इस शौक से लगा इस शौक से लगा के आगे तक पुलिया तक पूरी मार्केट सेफ है। अच्छा एक बात बताइए ना आप ये बताइए कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान और सबके घर जले हैं हाँ ऐसा तो हुआ है तो आपको क्या लगता है कौन कर रहा चाहेगा जो हिंदू और मुसलमान दोनों को टारगेट कर रहा है ये ना हिंदुओं ने जलाए हैं न ये मुसलमानों ने जलाए हैं एक मिनट खून की बात नहीं कर रहा ये ना हिंदुओं ने जलाए हैं न ये मुसलमानों ने जलाए हैं इन घरों को जो जलवाया है वो गंदी राजनीति ने जलवाया है। गुरुजी आप क्या कहेंगे क्योंकि धर्म आपको मानते हैं देखने में आ रहा है सर अगर आप गुरुजी बात मानते हैं कि धर्म का एक जगह खड़े होकर बाद में बात कर पहले बात करने दीजिए मैं अभी निर्णय नहीं ले पाऊंगा। नीचे रहिए नीचे आगे तक जाओ किसी तरह देखिए लगातार श्री श्री रविशंकर जो है वो संडे जो बात कर रहे हैं प्रभावित इलाके ब्रह्मपुरी श्री श्री रविशंकर वहां पर पहुंचे हुए हैं लोगों के बीच बातचीत करने के लिए एक सामाजिक सद्भावना बरकरार रहे जो बीते कई दिनों से यहां पर नदारद थी उसी को फिर से बहाली के लिए यहां पर लगातार कोशिश हर किसी की यही है कि हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति बहाली हो सामान्य धीरे धीरे हालात होते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन ब्रह्मपुरी इलाके से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे बातचीत करने के लिए लोगों से लोगों को मिलने के लिए श्री श्री रविशंकर आध्यात्मिक गुरु उनकी कोशिश यही कि लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत करें उन्हें समझाएं और शांति बरकरार रखने की अपील की जाए यही कोशिश अब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी हो रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस भी अब यही कोशिश कर रही है कि लोग उस डर के साए से बाहर निकलें किसी भी तरह की अगर अफवाह अब वो सुनते हैं तो उस पर ना पड़ें किसी भी तरीके के बरगलाने की अगर कोशिश होती है तो उसे वहीं पर रोक दिया जाए और हिंसा प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द हालात सामान्य हों कोशिश इसी बात की पुलिस प्रशासन की भी यहां पर हिंसा प्रभावित इलाकों में